हेलो एवरीवन, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कॉल मैसेज आया कि हमने तो बहुत मेहनत से पढ़ा था, हमने तो बहुत डेडिकेशन से पढ़ा था, हमारे तो 680 690 आ रहा है, हम रीनीट नहीं देंगे, रीनीट होना ही नहीं चाहिए। सर वो मेहनत नहीं किए थे 630 640 वाले। बेटा मैं आपके मेहनत का, हार्डवर्क का रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत आपने मेहनत किया था, सच में दिन रात एक करना पड़ता है, शायद मैं भी नहीं समझ पाऊंगा जितना आपने मेहनत किया होगा, लेकिन 640 650 620 वाले ने भी उतना ही किया था। आपके भी उस दिन 20 नंबर कम रह जाते ना तो आप भी रीनीट रीनीट चिल्लाते। बात रीनीट की है ही नहीं, किसने बोला कि रीनीट होना ही चाहिए। बात सबसे पहले आती है कि बहुत सारे सेंटर पे एनटीए खुद बोल रहे कि 1500 बच्चे और 6 सेंटर पे हम पेपर करा ही नहीं पाए ढंग से, हमारा टाइम लॉस हो गया। वो तो खुद एनटीए गलत है, यहाँ पे गलत प्रूफ हो रही ना एनटीए, तभी तो उसको मजबूरी में एक्स्ट्रा मार्क्स देना पड़ा, टाइम लॉस का फॉर्मूला लगाना पड़ा। तो एनटीए साहब आप तो खुद गलत हो, आप पेपर नहीं करा पा रहे हो, माफी मांगिए सभी लोगों से कि आप पेपर नहीं करा पाए। सेम ऑन यू एनटीए, और ये इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्निंग बॉडी इंडियन गवर्नमेंट की ये संस्था है, इंडियन गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, मोदी जी आइए बोलिए बात करिए। बड़े बड़े भाषण देने से नहीं होगा, थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे उतर के थोड़ा देखना पड़ेगा। जो 25 लाख बच्चों के साथ आज जो हो रहा है ना, वो कल का भविष्य है, कल का भारत है ये। तो बात यहाँ पे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की है, बात यहाँ पे स्टूडेंट की है, बात एजुकेशन की है, स्टूडेंट फर्स्ट एजुकेशन फर्स्ट की बात है। जो गलत हुआ है लार्ज स्केल पे, जो चीटिंग हुई है उसकी बात है। गोधरा में 16 बच्चों ने चीटिंग करी है लार्ज स्केल पे, ये तो पता चल रहा है, इतना पता नहीं कितने करी होगी। पटना में लार्ज स्केल पे इतनी ज्यादा चीटिंग हुई है, इसके बारे में एनटीए साहब चुप्पी साध के क्यों बैठे? आप तो कह रहे हो कि जैसे 10 लोगों ने मान लो कंप्लेन किया, उसमें एक कंप्लेन अगर गलत होगा तो इंडिया आगे आके बोली देखो हम तो सही है, हम तो पाक साफ है, हमने तो ये किया है। और जहां पे 9 आप खुद गलत हो वहां पे तो नहीं बोल रहे हो। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली जिस बच्ची के ओएमआर फटे हुए थे उस पर तो आपने बोल दिया, ट्वीट करके बताया। पटना के चीटिंग पे क्या ट्वीट करोगे, गोधरा की चीटिंग पे क्या ट्वीट करोगे? इतने लार्ज स्केल पे 50 से ज्यादा शहर में न्यूज़पेपर में आए हैं कि टाइम लॉस हुआ है, पेपर आप ढंग से नहीं करा पाए हो, उस पर क्या ट्वीट करोगे? कहां हो, सो रहे हो, आप पेपर नहीं करा पाए, आपको पब्लिकली आके माफी मांगना चाहिए। और पेपर नहीं करा पाए तो आपने खुद एक्सेप्ट किया कि इतने जगह पे टाइम लॉस का फॉर्मूला लगाना पड़ा क्योंकि वहां के बच्चों ने कंप्लेन किया, जिसने कंप्लेन नहीं किया उसका क्या? आप पब्लिकली आके माफी मांगिए और पॉसिबल सॉल्यूशन बताइए। धन्यवाद।